नमस्कार दोस्तों दोस्तों अरुण मेहता क्वालिटी टॉक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज मैं अपने देश के फ्लावर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूंगा। हमारे देश में फ्लावर्स की मार्केट कहाँ कहाँ है, वो मार्केट कैसी होती हैं और वहाँ पर कितना व्यापार होता है, इसके बारे में। दोस्तों इससे पहले मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑक्शन मार्केट्स पर दो वीडियो बनाई थी। एक वीडियो में पार्ट वन में जिसमें मैंने वर्ल्ड के अंदर जो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक फ्रेश प्रोड्यूस ऑक्शन मार्केट है उसके बारे में बताया था, और दूसरी वीडियो में इंडिया ने जो पहला एक्सपेरिमेंट 2004 में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन मार्केट का बेंगलोर में किया था उसके बारे में डिस्कस किया था कि वो मार्केट कैसे स्टार्ट हुई, क्या फैसिलिटीज थी और वो मार्केट फेल क्यों हुई। आज मैं आपसे फ्लावर्स के बारे में बात करूंगा। दोस्तों हमारे देश में 80% जो फूल हैं, फ्लावर्स हैं, वो रोड साइड वेंडर्स या फ्लोरिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जो फूल हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो हमारे यहाँ गिफ्ट में यूज होते हैं, सेलिब्रेशन में यूज होते हैं और पूजा के पर्पस में यूज किए जाते हैं। ये जो मार्केट कहाँ कहाँ इसकी मार्केट्स हैं, कहाँ कहाँ से फ्लावर्स आता है, सभी जगह जहाँ भी फ्लावर्स पैदा किया जाता है, फ्लावर्स डेवलप करने की सबसे बड़ा जो एरिया है वो बेंगलोर कर्नाटका है, जहाँ काफ़ी मात्रा में तरह तरह के फ्लावर्स पैदा किए जाते हैं, तो वो सब फ्लावर्स इन मार्केट्स में आते हैं ऑप्शंस के लिए। तो यहाँ हमारे कंट्री में 5 बहुत बड़ी फ्लावर की ऑक्शन मार्केट है, उसके बारे में आज आपसे बात करूंगा। दोस्तों मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों जो 5 सबसे बड़ी फ्लावर मार्केट हमारे देश में है उसमें पहली मार्केट है गाजीपुर दिल्ली में, और दूसरी मार्केट जो सबसे बड़ी है दादर मुंबई के अंदर है, तीसरी मार्केट बेंगलोर में है हुवीना फ्लावर मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया था बेंगलोर यानी कर्नाटका में हमारे यहाँ काफी फ्लावर पैदा होता है। चौथी मार्केट दोस्तों डल लेक कश्मीर के अंदर है, लेक के अंदर फ्लावर का ऑक्शन होता है, कश्मीर की वादियों में आपने देखा होगा, कश्मीर में कई बहुत ही सुंदर सुंदर निषाद गार्डन और कई गार्डन है जहाँ पर गुलाब के फूल और कई तरह तरह के फूलों की खेती होती है और वहाँ आपको दिख जाएंगे, तो वो कश्मीर में भी इसका डल लेक के अंदर ऑक्शन होता है। पांचवी जो सबसे बड़ी मार्केट है फ्लावर्स की वह है मुलिक घाट फ्लावर मार्केट कोलकाता, कलकत्ता के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं गाजीपुर दिल्ली की फ्लावर मार्केट के बारे में। ये इंडिया के अंदर लार्जेस्ट फ्लावर ऑक्शन मार्केट है, इसे हम ब्यूटी एट नाइट भी बोलते हैं। रात में जब 3 बजे ऑक्शन शुरू होता है तो इस मार्केट की ब्यूटी देखने के लायक होती है। कलरफुल फ्लावर्स, अलग अलग तरह के कलर्स के फ्लावर्स, फ्लावर्स की खुशबू एरोमा आपकी दिल को छू लेता है, आपकी आत्मा को छू लेता है। जितने भी स्टॉल्स इस मार्केट में होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होते हैं, हर आदमी हर स्टॉल वाला अपने फ्लावर्स को अच्छी तरह से सजा के रखता है ताकि उसके फ्लावर्स की बिक्री हो सके। इसके अलावा फ्लावर्स ऑक्शन में भी बिकते हैं और ऑक्शन के बाद वहाँ जो शॉप्स हैं वहाँ से भी लोग फ्लावर खरीद सकते हैं। तो ना सिर्फ दिल्ली के लोग
दिल्ली के आसपास जो एनसीआर दिल्ली है, वहाँ गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद और नियर बाई सिटीज, मेरठ और दूसरी सिटीज, वहाँ के लोग भी इस मार्केट में रोजाना फ्लावर खरीदने के लिए आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है दादर मुंबई में। यहाँ पर आप फ्लावर्स जो है सुबह 4 बजे से 9 बजे के बीच में खरीद सकते हैं। फ्लावर्स की खूबसूरती, उनकी खुशबू, फ्रेगनेंस आपको चेहरे पर एक स्माइल लाती है जब आप इस मार्केट में जाते हैं, और आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस देती है, और आपको लगता है कि शायद हमारी अर्थ पे, हमारी जमीन में यही स्वर्ग है। वहाँ आपको जाकर ऐसा लगता है स्वर्ग की अनुभूति होती है, क्योंकि इतना सुंदर फ्लावर्स तरह तरह के रंगों के मिलते हैं और इतनी अच्छी खुशबू आती है कि आपको लगता है आप स्वर्ग में आ गए। यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर 600 से ज़्यादा फ्लावर्स की स्टॉल हैं जहाँ पर आप फ्लावर्स को खरीद सकते हैं। दोस्तों तीसरी जो सबसे बड़ी मार्केट है हमारे देश में फ्लावर्स की, वो है वीना फ्लावर मार्केट बेंगलोर। जैसा मैंने आपको बताया कि बेंगलोर में, कर्नाटका में, बिकॉज बेंगलोर का सीजन एनवायरमेंट ऐसा है कि वहाँ फ्लावर बहुत अच्छा पनपता है, बहुत अच्छा ग्रो होता है, तरह तरह की वैरायटी फ्लावर की वहाँ पैदा की जाती हैं। इस मार्केट में 100 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होते हैं। यहाँ पर टॉप क्वालिटी के फ्लावर्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर जो सेलर्स हैं और जो बायर्स हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आकर के फ्लावर्स का खरीद फरोख्त करते हैं। नेबरिंग स्टेट के लोग भी इस मार्केट में आकर के हिस्सा लेते हैं। दोस्तों चौथी जो सबसे बड़ी मार्केट है, मैंने बताया आपको, डल लेक के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। कश्मीर में एक बहुत ही खूबसूरत लेक है डल लेक। यहाँ पर ये बोट्स के अंदर फ्लावर्स को रख के बोट्स में ही सवेरे सवेरे इसका ऑक्शन होता है। ऑक्शन डल लेक के अलग अलग कॉर्नर्स में होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स के अलावा यहाँ पर वेजिटेबल्स भी डल लेक में बेची जाती हैं, ऑक्शन किया जाता है। ये मार्केट जो है इसको फ्लावर मार्केट, बेसिकली इसको फ्लोटिंग मार्केट भी बोलते हैं, फ्लोटिंग फ्लावर मार्केट, क्योंकि नावें चलती रहती हैं और एक क्वार्टर में खड़ी हो जाती हैं, फिर इसका ऑप्शन होता है। इसमें, इस मार्केट में टूरिस्ट के लिए बहुत ही इंटरेस्ट डेवलप होता है। जब टूरिस्ट सवेरे सवेरे घूमने निकलते हैं डल लेक के बाहर, तो जब वो यहाँ ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखते हैं बोट्स पे ऑप्शन होते हुए, बहुत ही खुश होते हैं। टूरिस्ट यहाँ पर अलग अलग शहरों से आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। दोस्तों अगली जो सबसे बड़ी मार्केट है हमारे देश में, वो है मलिक घाट फ्लावर मार्केट कलकत्ता के अंदर। ये जो मार्केट है हावड़ा ब्रिज के नीचे है, हुगली फ्लाईओवर के पास, हुगली रिवर के पास। यहाँ पर मेनली गुलाब, डिफरेंट कलर के गुलाब, येलो, रेड और मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल अलग अलग कलर के बेचे जाते हैं, जिनका ऑक्शन होता है। दोस्तों ये तो थी 5 बड़ी मार्केट हमारे यहाँ जहाँ फ्लावर का बिजनेस होता है। हमारे देश में जो फूलों का, फ्लावर्स का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है। 232 बिलियन रुपीस का मार्केट है, जो कि 2028 तक 460 बिलियन रुपीस तक का होने वाला है। तो हमारे यहाँ बहुत फ्लावर की डिमांड है। हमारे यहाँ काफ़ी फ्लावर्स
बाहर से भी आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि कई बहुत बड़ी फ्लावर ऑक्शन मार्केट्स हैं दूसरी कंट्रीज में, वहाँ से फ्लावर एक्सपोर्ट किए जाते हैं और हमारी कंट्री में आते हैं, वो फ्लावर भी इन मार्केट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। जो सेलर्स हैं बेसिकली वो लगभग 70% का प्रॉफिट मार्जिन इस बिजनेस में रख के चलते हैं, क्योंकि फ्लावर जो बेचते हैं, फ्लावर का बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है दोस्तों, सब क्योंकि ये हाईली पेरिशेबल आइटम्स है, फ्लावर्स बहुत ही जल्दी मुरझा जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इसका बहुत ही हाई मार्जिन रखा जाता है, क्योंकि बेचने वाले हैं सेलर्स हैं लगभग 70% प्रॉफिट मार्जिन इस बिजनेस पे रखते हैं, जो कि होलसेल ऑक्शन कॉस्ट का 3 से 4 गुना होता है, 3 to 4 times ऑफ द ऑक्शन कॉस्ट। जैसा मैंने कहा कि ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है, भाई स्मॉल इन्वेस्टमेंट 40-50 हजार रुपए का खर्चा करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप इन मार्केट में जा कर के 40-50 हजार से फूल ला के इसको गुलदस्ते बना सकते हैं, माला बना सकते हैं, पूजा के लिए बेच सकते हैं, वरमाला बना सकते हैं और डेकोरेशंस के लिए शादी ब्याह में ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये बिजनेस जो है बहुत ही बड़ा बिजनेस है और इसमें बहुत ही फायदा होता है। आप किसी भी शहर के किसी भी कोने में छोटा सा स्पेस किसी सड़क के किनारे या किसी दुकान के किसी कॉर्नर में एक छोटे से रेंट पे ले सकते हैं, और इसके अलावा आप ड्राई फ्लावर्स, जो आपके फ्लावर्स बच जाते हैं वो ड्राई करके उनको उसमें भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्लावर्स भी देखते हैं, ड्राई फ्लावर्स के फ्लावर्स का आजकल गुलाल बनता है जिससे लोग होली में यूज़ करते हैं, तो इसमें अगर आपका फ्लावर खराब भी हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तब भी इसमें आप पैसा कमा सकते हैं, नुकसान नहीं होता, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप अपने शॉप को अच्छी तरह से डेकोरेट करके 30-40% मुनाफा आराम से कमा सकते हैं, बिकॉज आपकी शॉप जितनी अट्रैक्टिव होगी कस्टमर उतनी जल्दी आपकी शॉप की तरफ आकर्षित होगा और आपकी दुकान पे आने का माइंड बनाएगा। लिली के और गुलाब के जो फ्लावर्स हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं और जो कस्टमर बहुत पसंद करते हैं, वो भी इन फ्लावर्स को ला करके आपको गुलदस्ते में डाल करके देता है। और मेरे हिसाब से अगर आप इसको दिल लगा कर बिजनेस करते हैं, एक छोटे से इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके आप बहुत बड़ा धंधा कर सकते हैं और आप इजीली 1-1.5 लाख रुपया पर महीने इस बिजनेस में कमा सकते हैं। आपके पास एक लड़का होना चाहिए जो कि अगर ऑर्डर आता है गुलदस्ते का, फ्लावर्स का, उसको आप होम डिलीवरी कर सकें, क्योंकि होम डिलीवरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है फ्लावर्स के केस में। बहुत से लोग पसंद करते हैं कि फ्लावरिस्ट को फ़ोन करें, उसके घर में वो गुलदस्ता डिलीवर कर दे, या पूजा के फूल सवेरे सवेरे उनको उनके घर पे या फ्लैट्स में देने के लिए आ जाए, जिससे इन फ्लावरिस्ट की अच्छी कमाई हो सकती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको फ्लावर्स के बारे में, जो कि फ्रेश प्रोड्यूस के अंदर आता है, जनरली मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज मैंने फ्लावर्स के ऊपर वीडियो बनाया, तो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। काफ़ी लोग इस वीडियो से प्रभावित होकर के फूलों का, फ्लावरिस्ट का जो बिजनेस है उसको शुरू करने के बारे में सोचेंगे और इन मार्केट्स में जा करके फ्लावर्स खरीद करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और इसी तरह मेरा चैनल देखते रहें। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, अपनी माँ बाप की सेवा करें और देखते रहें
मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। धन्यवाद। जय हिंद।